Let's speak and welcome back to my channel. And today we'll be learning Twinkle Twinkle Little Star melody. So ये melody बहुत 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 ज़्यादा simple है. तो अगर आप beginner guitarist हो तो ये melody आपके लिए बिल्कुल perfect है. और आपको इसमें capo की भी ज़रूरत नहीं है. So grab your guitar and let's get started with this video. तो मैं इस मेलोडी को फिंगर नेल्स के साथ प्ले करूँगी. आप इसको जो है पिक के साथ भी प्ले कर सकते हो. तो मैं यूज़ करूँगी अपनी इंडेक्स फिंगर थर्ड स्ट्रिंग के लिए, मिडिल फिंगर सेकंड स्ट्रिंग के लिए और रिंग फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए. और कई बार मैं फर्स्ट स्ट्रिंग जो है मिडिल फिंगर से भी प्ले करूँगी, शायद मोस्टली मिडिल फिंगर से ही करूँ. तो कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसा आपको सही लगता है वैसे कर सकते हो. तो मोस्टली ये तीन फिंगर्स यूज़ करूँगी, इन तीनों स्ट्रिंग्स में मेलोडी प्ले होगी ये वाली. तो हमारी सबसे पहली लाइन कौन सी है? हमारी सबसे पहली लाइन ये है. ठीक है, तो फर्स्ट नोट हम प्ले करेंगे थर्ड स्ट्रिंग ओपन दो बार. ओके, नेक्स्ट नोट हमारा जो है वो है थर्ड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग. ठीक है, उसको भी हम दो बार प्ले करेंगे. फिर नेक्स्ट नोट में हम क्या कर रहे हैं, जो नीचे वाला फर्स्ट स्ट्रिंग है, सबसे पहली स्ट्रिंग है, उसको दो बार प्ले कर रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या बना? अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने ये नोट हटाया नहीं जब मैं ये नीचे वाला नोट प्ले कर रही ना फर्स्ट स्ट्रिंग पे, ये यहीं पे रखा है. ये इसलिए रखी है फिंगर ताकि जो हमारा सेकेंड नोट हमने प्ले किया था वो थोड़ी देर तक गूंजता रहे. देखो जैसे ऐसे, जब भी हम कोई नोट प्ले करते हैं वो थोड़ी देर तक गूंजता रहता है. तो अगर आप उसको एकदम से हटा लोगे नेक्स्ट नोट प्ले करने, जैसे आपने नेक्स्ट नोट प्ले करना और उस टाइम पे आप उसको एकदम से हटा लोगे तो साउंड थोड़ी सी टूटी हो जाती है, साउंड की जो कॉन्टिन्यूटी है वो टूट जाती है. तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप रख सकते हो फिंगर जो आपने पिछला नोट प्ले किया था, अगर अभी वो फिंगर आपको किसी और नोट को प्ले करने के लिए नहीं चाहिए तो आप उस फिंगर को हटाना मत. ठीक है, उसे तभी हटाना जब नेक्स्ट नोट प्ले हो चुका हो. तो ये क्या हुआ, लास्ट जो हमारा नोट हमने इस लाइन में किया वो है थर्ड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग पे, सेम यही नोट. ठीक है, थर्ड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग. तो ये बना, अब आ जाएंगे हम सेकंड लाइन में जो है ये. और आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि फर्स्ट फ्रेट में हम फर्स्ट फिंगर यूज करेंगे, सेकंड फ्रेट पे सेकंड फिंगर, थर्ड फ्रेट पे थर्ड फिंगर. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट नोट क्या हुआ, सेकंड लाइन में हमारा फर्स्ट नोट जो है वो है फर्स्ट फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग पे, फर्स्ट फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग. दो बार प्ले कर रहे हैं हम. फिर हम प्ले करेंगे सेकंड स्ट्रिंग ओपन, सेकंड स्ट्रिंग ओपन दो बार. तो ये क्या बना, फिर हम आगे इसमें कौन सा नोट है, ये है सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग. और लास्ट हम प्ले करेंगे सेकंड लाइन में जो लास्ट नोट है वो हमारा है थर्ड स्ट्रिंग ओपन, थर्ड स्ट्रिंग ओपन एक बार. तो ये क्या बना, ठीक है, फर्स्ट फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग दो बार, सेकंड स्ट्रिंग ओपन दो बार, सेकेंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग दो बार, थर्ड स्ट्रिंग ओपन एक बार. तो फर्स्ट लाइन से ये टोटल ऐसा साउंड करेगा. अब नेक्स्ट लाइन जो है हमारी वो ये है. ये नेक्स्ट लाइन है, तो इसमें सबसे पहला जो नोट प्ले हो रहा है वो हो रहा है थर्ड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग दो बार. उसके बाद हम आ जाएंगे फर्स्ट फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग पे, फर्स्ट फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग. उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग ओपन, सेकंड स्ट्रिंग ओपन. और सेकंड स्ट्रिंग ओपन प्ले करने के बाद हम प्ले करेंगे सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग. एक बार प्ले करना है थर्ड स्ट्रिंग को. ठीक है, तो ये टोटल क्या बना, ये वाली लाइन
तो हमने जो थर्ड लाइन की है अभी अभी, वो जो थर्ड लाइन है उसको हमने एक बार फिर से रिपीट करना है, ठीक है? सेम टू सेम हमने क्या किया था अभी, ये ना इसको एक बार और रिपीट करना है। तो इस पूरी लाइन को हमने दो बार रिपीट किया, तो ये टोटल क्या बना अभी तक? इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने फर्स्ट लाइन सीखी थी और सेकंड लाइन सीखी थी वो फिर से रिपीट करनी है। तो हमारी फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन क्या थी? लेकिन जब आप इसको प्ले करोगे ना इस बार, तो आपको एंड करना है ना, तो एंड वाले जो नोट्स होंगे ना आप उसको धीरे धीरे स्लो प्ले करना शुरू कर दोगे। कैसे? देखो, तो फर्स्ट और सेकंड लाइन जो हमने सीखी थी वो हम लास्ट में टुगेदर मतलब प्ले कर रहे हैं, और जो सेकंड लाइन है वो सेकंड लाइन को हमने धीरे धीरे जब एंड हो रही होगी उसको हमने स्लो कर देना है। ओके, तो ये टोटल कैसा साउंड करेगा एक बार स्लो मोशन में करके देखते हैं। तो ये स्पीड में कैसा साउंड करेगा नॉर्मल स्पीड में? ओके, अब इसमें ना प्ले करते मैंने एक चीज़ नोट करी कि जब हम ये करते हैं ना, ये वाली लाइन कौन सी लाइन है, ये थर्ड लाइन है शायद, फिर जब फिर से हम उसे रिपीट करने जाते हैं, थर्ड लाइन को मैंने बोला था ना दो बार रिपीट करना है, तो जैसे ही आप उसे फिर से रिपीट करोगे तब देखोगे यहाँ पे ये वाला नोट है। मोस्टली लोगों को यहाँ पे जब इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर के नोट दोनों ऐसे पास पास होते हैं तो प्रॉब्लम होती है, जैसे आप आए ना। तो जब आप उसमें प्ले करोगे तो आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी मूवमेंट नोट करनी है कि किस मूवमेंट में आप ज़्यादा अच्छे से प्ले कर पा रहे हो। तो मेरे साथ क्या होता है, जब मैं इंडेक्स फिंगर से ये नोट प्ले करने का अगला नोट यहाँ पे आ रहा ना, तो मैं जैसे ही प्ले करने आ रहा मेरा हाथ ऐसे जा रहा है, ऐसे होने की बजाय ऐसे, ठीक है? आप देख सकते हो, अगर आपको, बस मैं आपको इस मूवमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बस मैं आपको बता सकती हूँ, बस देख सकते हो कि इस तरह से हो रहा है। तो इस तरह से फिर हम सेकंड लाइन को दोबारा, जो हमारी थर्ड लाइन थी उसको हमने दोबारा रिपीट करना था, तो आप रिपीट कर लेना। तो आपको बस मेरे ख्याल से यहीं पे दिक्कत आएगी मेनली, जो आएगी यहाँ से यहाँ जाने में, क्योंकि इस चीज़ में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो सबको डी मेजर कॉर्ड प्ले करने में भी प्रॉब्लम आती है, या आप अगर सी प्ले करते हो तो आप ये चीज़ नोट करोगे कि सी में भी आपकी मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो यहाँ पे ऐसे ऐसे होता होगा। तो इस तरह मेरा हाथ जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, लाइट थोड़ा डायगनली है, पर जैसे मैं ए में आती हूँ तो मेरा हाथ डायगनली ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा स्ट्रेट हो जाता है, मतलब स्ट्रिंग और मतलब मेरी रिस्ट और एल्बो थोड़ी सी ज़्यादा बेंड नहीं होती, मतलब यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन जब मैं सी प्ले करती हूँ तो मेरा हाथ थोड़ा इस तरह से होता है, तो थोड़ा डायगनली आ रहा है, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि कैसे आपकी एल्बो भी मूव करती है विद नोट्स। तो कई चीज़ों का ध्यान रखना है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ से यहाँ आना। अगर आप इसमें ये फिंगर यूज़ कर लोगे तो इजी हो जाएगा,
लिटिल फिंगर यूज़ कर लेते हो तो ईजी हो जाएगा, लेकिन आपको वो नहीं करना. आपको हमेशा, अगर आप वो कर लोगे तो जो डिफ़िकल्ट है वो आपको आ नहीं पाएगा. जो चीज़, जो मूवमेंट करने में आपको डिफ़िकल्टी होती है वो कभी भी ईजी नहीं बन पाएगी. तो इसलिए आपको वो फिंगर यूज़ नहीं करनी जो आप ईजिली कर पा रहे हो, कभी भी नहीं करना. आपको वो करना है जो फिंगर आप ईजिली यूज़ नहीं कर पा रहे, तो आपको यही यूज़ करना है. तभी आप आगे फ्यूचर में जब भी आप गिटार सीखते हो, अगर आप सीरियस होना चाहते हो गिटार में, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपकी हर फिंगर इंडिपेंडेंट हो. ये नहीं कि आप हमेशा एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ लो उसके लिए कि ईजिली जो हो जाएगा, तो उससे आप कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे. तो अगर आपको ये लग रहा है कि मुझसे तो हो ही नहीं रहा, एक हफ्ता हो गया फिर भी मुझे इस मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है आपको 1 महीना लगे, 2 महीने लगे एक मूवमेंट को ठीक से करने में. ये कोई कोई बुरी बात नहीं है अगर आपको 1-2 महीने लग रहे हैं एक छोटी मूव को कवर करने में. कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें टाइम लगता है. हमें लगता है कि वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मुझे इतने से सिंपल से सॉन्ग में इतनी प्रॉब्लम आ रही है इस मूवमेंट में, तो मैं बड़े सॉन्ग्स कैसे करूँगा. अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें सीख लोगे ना, इसमें टाइम स्पेंड कर लोगे ना, तो आप धीरे धीरे आप देखोगे आपकी फिंगर्स खुद ही इंडिपेंडेंट हो रही हैं, और फिर आप डिफ़िकल्ट सॉन्ग ईजिली कर पाओगे. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये छोटी छोटी चीज़ें ही टाइम लेती हैं, इसमें ही बल्कि टाइम लगता है. जो आपको लगता है कि मुझसे तो यही नहीं हो रहा इतना सिंपल सा, नहीं, ऐसे में टाइम लगता है इन चीज़ों में, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है. आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में अच्छे से इंडिपेंडेंसी बनने में टाइम लगता है. एनीवेज, सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप टैब्स वगैरह प्रोवाइड कर दो, तो मैं आपको टैब्स प्रोवाइड नहीं कर सकती, दैट इज़ नॉट लीगल. मुझे पता है मैंने हैप्पी बर्थडे सॉन्ग में वो गलती से कर दिया था, मुझे करना नहीं था, और मैंने सॉन्ग में इस तरह से बोल दिया था कि मुझे टैब्स डालनी ही पड़ती, जिसमें मैं 1100 ऐसे करके एक्सप्लेन किया था, तो मुझे टैब्स डालनी पड़ी. तो मैंने सोचा था कि अगर उस वीडियो में कुछ दिक्कत आएगी तो मैं उसे डिलीट कर दूंगी, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ऐसे अलाउड नहीं है डालना. प्रॉब्लम ये है कि अगर आप टैब्स डाल रहे हो, टैब्स डालना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप टैब्स उस वीडियो, जिस वीडियो में टैब है, उस वीडियो से अगर आप अर्न कर रहे हो मनी, तो प्रॉब्लम है. या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.